हिमाचल के बिलासपुर से घुमरावी में दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यह खबर दिल दहला देने वाली किसी हादसे की नहीं बल्कि एक वारदात की है। इसमें हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में कार्यरत 43 वर्षीय रामकृष्ण पुत्र जयसिंह ने पहले अपनी पत्नी और बेटी पर लोहे के हथौड़े से हमला कर उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इसके बाद मिट्टी का तेल छिड़क अपने समेत पत्नी व बेटी को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना में दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत गंभीर है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 43 वर्षीय रामकृष्ण ने अपने हंसते खेलते परिवार को खुद ही तबाह कर दिया। आसपास के लोगों ने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। लड़की की सांसें चलता देख उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि पति और पत्नी दोनों की आंख में झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई थी। लोगों के मुताबिक अक्सर इनका झगड़ा होता रहता था। रामकृष्ण पहले भी परिवार के साथ मारपीट करता था, लेकिन बुधवार को सुबह उसने खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मधुरो गांव में एक व्यक्ति ने अपनी महिला को कुंडी लगा के बंद कर लिया अपनी घरवाली को और वहाँ पर आग लगा। जिस सूचना पर पुलिस टीम, फायर की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर गांव के भी अन्य लोग मौजूद थे, जिनकी मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे के अंदर आग लगी हुई थी। आग को बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद ज्ञात हुआ कि फर्श पे मृतक और मृतका रामकिशन व उसकी पत्नी कांता देवी की लाश बरामद हुई। लाश को कब्जे में लिया जा चुका है, उसका निरीक्षण किया जा चुका है और उसके पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम के उपरांत जैसी होगी कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी। अभी तक की छानबीन में यह ज्ञात हुआ है कि ये काफ़ी 2-3 महीने पहले से अपने घर से लापता था, घर में नहीं आया था, जिसकी कार्रवाई महिला पुलिस थाने में भी दर्ज की गई थी। उसके बाद ही कुछ दिनों पहले, लगभग 4-5 दिन पहले वापस अपने घर में आया था, परंतु घर में आने के बाद से उसके अपनी पत्नी से बातचीत ना कर रहा था, जो संबंध ठीक ना थे। जो आज सुबह जो ये घटना घटी है, जो इसके पोस्टमार्टम करवाने के बाद जैसी होगी कार्रवाई बन रही है। बताया जा रहा है कि शरीर में किसी वस्तु के निशान थे महिला के शरीर में चोट के निशान है, जिसके बारे में चिकित्सक से राय लेने के उपरांत जो भी होगी उसमें कार्रवाई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।